पार्क में इस तरह का बाग? हाँ जी हाँ, ये जो बाघ है ये पकड़ा गया था ब्रह्मपुरी नाम की जगह है चंद्रपुर के पास में, और इसमें दो लोगों का शिकार किया था, मैनिटर था, इसके लिए उसको पकड़ा था। और क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क में पोजीशन ऐसी थी कि हमारे पास 5 टाइगर्स हैं, 5 बाघ हैं, जिसमें 4 फीमेल्स हैं और 1 मेल है, और वो जो 1 मेल है एक फीमेल का भाई है, तो हमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हम लोग उनको मेट करने के लिए और उसके उनके बच्चे पैदा करने के लिए हमारे पास वो नहीं था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मिस्टर काकोडकर, जो कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है महाराष्ट्र के, कि मुझे इसकी ज़रूरत है। तो ये जो बाघ था सुल्तान नाम का, इसको गोरेवाड़ा का एक ज़ू है नागपुर में, वहाँ रखा गया था, और उनके पास ऑलरेडी मेल एक्सेस में थे, तो वो मैंने उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने यहाँ परमिशन दी मुझे लाने के लिए। इसके लिए सेंट्रल जू ऑफ अथॉरिटी की भी परमिशन ली गई है, क्योंकि सेंट्रल कोई भी जो जानवर ट्रांसपोर्ट करना है या ट्रांसफ़र करना है या फिर बदली करनी है, उसके लिए परमिशन दिल्ली की लगती है, वो परमिशन भी ली गई। बट जब वो परमिशन आई उस टाइम पे गर्मी का मौसम था, और गर्मियों में जनरली हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस गुजरता है जानवर के ऊपर। तो हमने कोशिश की कि उसको अच्छे मौसम में, और जब मौसम अच्छा हुआ तब हम लोगों ने जो है उसे ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। हमें आने के लिए लगभग 2.5 दिन लगे हैं, और कोशिश ये रहती थी कि दिन में हम उसको ट्रांसफ़र मतलब गाड़ी में डालने के बाद में गर्मी न ज़्यादा ना हो, इसलिए हम दिन में रुक जाते थे, और रात को कोशिश की है कि ट्रांसफ़र किया जाए। यहाँ पे तो बाकी के झुंड के साथ ही रखा गया है कि इसके लिए अभी प्रॉपर। अभी तो क्या होता है, एक तरीका है कि कोई भी जब जानवर बाहर से आता है उसको एक क्वारंटाइन नाम की जगह रहती है, उसमें रखा जाता है, तो वहाँ पे फिर किसी को अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एक तो जानवर स्ट्रेस पे रहता है, और दूसरा कोई नई जगह पर आने के बाद में वो जानवर को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए ना, कोई दूसरा बाहर से बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस एरिया के लिए वो अभी तैयार नहीं हुआ है, तो यहाँ के कोई इन्फेक्शन ना लगे, तो एक उसको ऐसी जगह पर रखा जाता है जो कि क्वारंटाइन कहा जाता है इंग्लिश में, एक्सक्लूसिव जगह उसके लिए रखी जाती है, उसके लिए बहुत केयर, कोई आदमी भी जाता है तो अपने आप को सेंसिटाइज या अपने आप को जो है साफ करके, ग्लव्स पहन कर, पोटेशियम परमैंगनेट में धोकर जाया जाता है, उसको अलग से सेक्लूडेड जगह पर रखा गया है, और जब जैसे वो ऐसा लगेगा और डॉक्टर को लगेगा कि वो फिट है तो बाकी के जानवरों के साथ में रखा जाएगा। सर लेकिन अवनी और ये अवनी ये ब्रह्मपुरी में नहीं थी ना, ये ब्रह्मपुरी से आ रहा है, ये अलग है, ये उसका बच्चा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अगर चोट लगी होती तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते हम, रूल्स ऐसे हैं, बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, बस अभी स्ट्रेस में है, क्योंकि कोई भी एक इंसान भी अगर इतना 800 किलोमीटर की ट्रैवलिंग बाई रोड करता है तो थक जाता है, वो भी थका हुआ है, अभी स्ट्रेस में ज़रूर है, उसको नया माहौल देखकर भी जो है उस पर स्ट्रेस आता है, तो अभी तो ठीक है।